पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, हाल ही में हमने देखा कि एपिसोड में जिस तरीके से प्रोमो में दिखाया गया, आपने सिंबल से बात की है, साथ सिंबल का भी कुछ रिएक्शन था कि कुछ कुछ उनको भी अपनी गलतियां पता चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी दूसरी बार आपका एक आपने सिंबल से बात की है, क्या लग रहा है कुछ समझ पा रही है सिंबल या फिर वही गेम में वो फंसे जा रहे हैं? नहीं, अभी जो कन्वर्सेशन हुआ सुम्बुल समझ पाती है सब, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि 18 साल मैंने उसको जिस तरीके से पाला है, जिस तरह से उसको कहानियाँ सुनाई हैं, हमेशा अच्छी बातें बताई हैं, तो 18 साल की जो तरबियत है ना, उसको मैं जाके कुछ बोलता हूँ तो वो 18 साल की सीखी हुई चीज़ें एक दिन में वो कैसे चेंज कर पाएगी? अच्छा, वो करना भी चाहती है, वो एक दो दिन उसका असर दिखता भी है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो चारों तरफ से लाइनअप होके बार बार उसको वही कन्वर्सेशन, हम तुम्हारे हैं, ऐसा है वैसा है, तो सीधी बात है 24 घंटे जब आप किसी तरह की इस तरह की चीज़ें करोगे तो फिर से वो डाइवर्ट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोगों के द्वारा यूज़ हो रही है, उसको ये लग रहा है कि मैं अपनी फ्रेंडशिप निभा रही हूँ, अब वो फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में ये लोग उसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और अब तो उस पूरे घर में सभी लोग ये जान गए हैं कि सुम्बुल को डाइवर्ट करना बहुत आसान चीज़ हो गया है सबके लिए, और सबके लिए वो महज एक वोट बैंक बन गई है। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अभी तक वो जैसी गई थी वैसी ही है, इस बात का तो मुझे फख्र है कि कम से कम उसने औरों की तरह बाकी चीज़ें नहीं सीखी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इमली सीरियल में सभी इतना ज़्यादा पसंद करते थे सुम्बुल के काम को, लेकिन जब बिग बॉस के घर में गई तो बहुत लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जितनी पावरफुल उसमें दिखती थी लेकिन वैसे बिग बॉस के घर में नहीं, सुम्बुल कहीं ना कहीं तुम खेलो, या फिर कहीं हम टीवी सेलेब से भी अगर हम बात कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये है कि सुम्बुल छोटी है उम्र में, इसलिए कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रही है। क्या लगता है, कैसा गेम सुम्बुल का आपको? नहीं देखिए, रही बात इमली की, तो इमली ने उसको नो डाउट बहुत बड़ी सक्सेस दी है, और आज उसके पूरे विश्व में अगर फैन बने हैं तो इमली की वजह से बने हैं, और उसके बाद वो स्टार रविवार विद स्टार परिवार की वजह से, जहाँ उसको पूरी खुली छूट थी, वो जो चाहे वो करे। और बिग बॉस का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, हम लोगों ने चूंकि कभी बिग बॉस फॉलो नहीं किया था, ना सुम्बुल ने कभी देखा था, ना मैंने कभी देखा था, तो मुझे भी यही लगा था कि बिग बॉस में लोग एक दूसरे के प्रति साजिश करते हैं, हटाते हैं, डराते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मतलब आप ट्रॉफी के लिए किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन तक पहुंच जाओगे। और जब ये बातें बार बार होने लगती हैं तो किसी भी बच्चे की जो नेचुरलिटी है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और आज वही है कि आज वो सुम्बुल मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे क्या बात करूं, क्योंकि हर बात का एक अलग नज़रिया होता है। जब वीकेंड का वार आता है, हर वीकेंड के वार पर सुम्बुल टारगेट होती है, और वो वहाँ सब सुन रही है, सुनने के बाद भी बोलती नहीं है वो, उसको अजीब सा लग रहा है कि ये सब हो क्या रहा है मेरे आस पड़ोस। तो मेरे को अब लग रहा है कि मुझे, हालांकि मैंने उसको भेजा था वहाँ सीखने के लिए, क्योंकि वो निगेटिविटी उसकी ज़िंदगी में कभी थी नहीं, तो सीखने के लिए भेजा था उसको मैंने, और पर अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैंने थोड़ी सी जल्दी कर दी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, हाल ही में जब आपने बात की तो शालिन और टीना का भी जिक्र किया था, क्या कहना चाहेंगे, क्या सुम्बुल का जो कैरेक्टर जिस तरीके से सभी देखते थे उनके वजह से उनका लाइक सुम्बुल का कैरेक्टर चेंज दिख रहा है? कितना कुछ, जैसे अभी आपने जिक्र की कि एक व्यक्ति के जिस तरीके से उसे देखा जाता है, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे कुछ व्यक्ति की देखने की नज़रिया चेंज हो जाता है, आपका इस पर क्या कहना? देखिए, मैं उसी बात को आपको कह रहा हूँ कि सुम्बुल ने फर्स्ट डे से लेकर आज तक अपने आप को क्लियर रखा है, हर जगह उसने साफ साफ कहा है कि मेरा शालिन के साथ महज एक दोस्ती का रिश्ता है, जो डे वन से कहती आ रही आज तक उसी पे अड़ी हुई है। अब एक बात बताइए आप हर व्यक्ति का बॉडी जेस्चर अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि सुम्बुल का, मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो मैं माँ भी हूँ, उसकी बाप भी हूँ, तो उसके अंदर जो एक टच होता है जेंडर का, वो उसके अंदर नहीं है। उसने हमेशा माँ के रूप में ही मुझे पाया है, बाप के रूप में मुझे पाया है, तो वो सबसे हक करती है, मिलती है और वैसे ही रहती है, उसके दिमाग में कोई कचरा है ही नहीं। पर इसको अगर आप लोग उसके करेक्टर से ले जाओगे तो ये शायद बहुत गलत होगी। और उस दिन वीकेंड के वार पे जिस तरह से सारे घर वाले उसके पीछे पड़ गए थे, मतलब
करीब आधे घंटे कंटिन्यू एक लड़की को टारगेट किया जा रहा था कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम अवेस्ड हो, समथिंग 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 समथिंग, मतलब कुल मिलाकर सब एक टारगेट कर रहे थे कि सुम्बुल किसी तरह से पैनिक हो, क्योंकि सबको मालूम है कि सुम्बुल बहुत काम लड़की है। वो कुल इन 50 दिनों में दो बार पैनिक हुई है, एक बार जब मेरे ऊपर अर्चना ने बात की थी और एक बार और उससे पहले कोई लड़ाई हुई थी, और पैनिक होने पर वो फिर आपा खो देती है, और उस दिन वही कोशिश हो रही थी कि ये पैनिक होकर बोल दे कि हाँ ये है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी बेटी को, उसके पेशेंस को, कि इतना होने के बाद भी, प्रेशर होने के बाद भी वो अपनी बात पे अड़ी रही और लास्ट में इस पूरे सब्जेक्ट को अलग ही करना पड़ा कि ओके। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जैसे वीकेंड का वार खत्म होता है अगेन फिर वही चल। अब वो कैसे सर्टिफिकेशन दे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो सुम्बुल क्या करे, अपने माथे पे लिख दे हर तरह से। शालीन आके उसको क्लियरली उसके सामने बोल रहा है कि हाँ बेटा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, और वो भी कह रही है कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर वही एक टारगेट, और बार बार मैं उसकी ज़िंदगी नरक बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। डे फर्स्ट से लेकर अभी तक एक 19 साल की लड़की से आप इतना घबरा क्यों रहे हो? वो अपना गेम खेल रही है, शांति से आप अपना गेम खेलो। उसकी गलती ये है कि उसने आपको अपना मान लिया। अब मैं उसकी गलती कहूँगा ये बात, क्योंकि आपको याद होगा किसी ने पूछा था शायद शेखर सुमन ने कि आपके दिल के जिगर के टुकड़े कौन हैं, तो उसने बोला था शालीन और टीना, तो उसने आज तक वो बात रखी हुई है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर उसने आपको अपने जिगर का टुकड़ा कहा है और आज भी वो आपके साथ खड़ी है, तो आपको भी एक बड़े की तरह उसका साथ देना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए इस तरह से। टीना के लिए आपका क्या कहना होगा, क्योंकि टीना के बारे में भी आपने कुछ बातें बोली। देखिए उस बात को मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा। वीकेंड के वार के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, और मैं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, और हार्ट बीट भी बहुत बढ़ गई थी। तो उस दिन मेरी बेटी ने मेरे को दवाई वाई खिला दी, मैं सो गया था। सुबह फिर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी, तो मेरे को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। मैं आईसीयू में था, और आईसीयू में था, और मैं शायद मेरी ऐसी बेटी बता रही है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि दवाइयों की वजह से मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा। तो वो बेटी बता रही थी कि आप बार बार सुम्बुल सुम्बुल बोल रहे थे। तो देन उसने मैनेजर से बात करी कि किसी भी तरह से सुम्बुल को बुला लो ताकि पापा उससे एक बार मिल लें, पापा ठीक हो जाएंगे। अब उनके बीच में क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो पूरे 24 घंटे होने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और लगभग नीम बेहोशी की हालत में था, आधा बोल रहा था आधा नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद अचानक सानिया से बता रही है मुझे मेरी बेटी कि उसने लाके मोबाइल दिया कि आप अप्पी से बात करो, और मैंने उससे बात करी। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। देन जब मैंने थोड़ा जब नॉर्मल हुआ मैं, उसके बाद मैंने देखा कि प्रोमो में मेरी आवाज़ आ रही है, तो मैंने सानिया से पूछा बेटा क्या है, तो बोले पापा जो आपने फ़ोन पे बात की थी ये वो है। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होके आया घर जाके, फिर मैंने पूरा एपिसोड देखा, तो पूरा कन्वर्सेशन सुना। उसके बाद मैंने सानिया से पूछा बेटा क्या यही सब मैंने बोला है, तो उसने बताया हाँ पापा। फिर मुझे खुद बहुत अजीब लगा, स्पेशली दो शब्दों के लिए, एक जो पर्टिकुलर शब्द पे बहुत हाय तौबा मची हुई है कि मुंह पे लात मार देना, और एक औकात। तो मैं एक बात तो कहूँगा कि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, और मैं किसी बेटी के लिए इस तरह के शब्द सामान्य अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में तो नहीं बोल सकता। और यदि आपको विश्वास ना हो तो आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले मैं दो बार बिग बॉस में आया हूँ, और दोनों बार मेरी आवाज़ आप तक पहुँची है, पर इस बार मेरी आवाज़ के साथ सब टाइटल चल रहा था। क्यों? क्योंकि आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही थी, उन्होंने लिख लिख के बताया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं उस वक्त किस हालत में था, और इन दो पर्टिकुलर शब्दों के लिए मैं नेशनल टीवी पे या आपके सामने मैं उन दो शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, लड़कियों की बात करता हूँ, मेरी कविताओं में भी सब्जेक्ट लड़कियाँ ही होती हैं, तो मैं किसी लड़की के बारे में जानबूझ के ऐसे शब्द तो नहीं बोल सकता, और इसके लिए मुझे माफ़ी मांगने में कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने ना तो कभी बोला चाहे हैं, और ना मैं अपनी बेटियों को कभी सिखाया है। अनकॉन्शियसली हो सकता है मेरे मुँह से निकल गए हों, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, और स्पेशली टीना की मम्मी से, देखिए एक मेरे शब्द से
आप कितना आहत हुई, आपकी आंख से आंसू निकले। तो आपने कभी सोचा कि डे वन से लेकर आज तक मेरी बेटी के लिए टीना ने कौन कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं किए? कभी लगा आपको कि एक बंदा जो सिंगल पेरेंट है, जो माँ भी है बाप भी है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? कम से कम आप बड़ा दिल दिखाकर एक बार मुझको फोन करके बोलती कि मेरी बेटी ऐसा बोल रही है, उसके लिए क्षमा। और मेरे एक शब्द से हाहाकार मच गया है। तो ये तो मेरे को, हालांकि मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये शब्द बोलकर मैं उसको जस्टिफाई करूँ, नहीं, ये शब्द गलत है और मेरी शब्दकोश में ये शब्द नहीं थे, अनकॉन्शियस हालत में मेरे साथ ये हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन जिस तरह से आज भी, इतना होने के बाद भी, आपकी बेटी, मेरी बेटी का बोल रही कि मैं इसका जीवन नरक कर दूंगी, तो मेरे को लगता है कि मैं एक शब्द के लिए आके माफी मांग रहा हूं, तो आपको 50 दिन के हर शब्दों के लिए माफी मांगना चाहिए। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।